वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी और टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द नेक्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो दैट इज प्रोसीडेड प्रीसीडेड बाय गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो वो होता है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक हो गया। एंड न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन इज़ बेसिकली व्हाट इज़ न्यूरल ट्यूब। सो न्यूरल ट्यूब इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरल ट्यूब से फिर आगे जाके हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलेशन। द प्रोसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूरोलेशन एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। पैटर्निंग, ये चैप्टर बेसिकली है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन एंड पैटर्निंग का। पैटर्निंग का पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन टू द कोर्स। पैटर्निंग इज अनदर लाइक सेपरेट टॉपिक जो कि सेल सिग्नलिंग के साथ रिलेट करता है, तो वो हमारा एक अलग सा टॉपिक होगा, क्योंकि जब हम थोड़े मॉर्फोजेनेसिस पढ़ लेंगे, डिफरेंट ऑर्गन फॉर्मेशन हम पढ़ लेंगे, तो पैटर्निंग चूँकि सारे प्रोसेसेस को उसमें एक ये एक कॉमन मैकेनिज्म है सबके अंदर, तो इसको हर एक के साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते। सो इस तरह पैटर्निंग एंड सेंस सेल सिग्नलिंग टाइप के हमारे पास कमिंग जो है कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोसेस को जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का है। एंड गेस्टुलेशन हमारा लास्ट मेजर था जो हमने डिस्कस किया था, जो मेजर प्रोसेस था। उसके बाद फैट मैपिंग एज अ जनरल टेक्निक प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि सेल्स को कैसे ट्रेस किया जाता है इन एम्ब्रियो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन एंड न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, यहाँ पे हम ज़रा रीड करेंगे। दिस इज़ द पंच लाइन ऑफ द दिस चैप्टर, दिस प्रोसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन और न्यूरोलेशन। सो इसको थोड़ा रीड करते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द प्रोसेस। सो द वर्टिब्रेट brain and spinal cord start their development as a flat plate of neuroepithelial cells that folds up along most of its length to form a tube. Vertebrate brain and spinal cord, the vital organs jo sabse pehle bante hain, theek hai, important baat. Gastrulation jab germinal layers ban jati hain, so uske baad next jo main process hota hai wo hai neural tube formation, jisse aage jaake vertebrates ke brain and spinal cord bante hain. Ab ye kya hote hain, they develop as a flat plate of neuroepithelial cells. Epithelial cells, ectoderm, theek hai, uske ectoderm ke cells usme involve hote hain. You know very well कि न्यूरल नर्वस सिस्टम हमारे पास एक्टोडर्म से बनता है, तो वो एपिथेलियल सेल्स वो क्या, दे फोल्ड्स अप और फिर उससे न्यूरल ट्यूब बनता है। अब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग दिस न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। फोल्डिंग अकर्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस इन द प्लेट थ्रू एसिमेट्रिक चेंजेस इन द शेप्स ऑफ सेल्स सच दैट देयर एपिकल साइड्स कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशिंग हिंज पॉइंट्स ऑफ टिश्यू बेंडिंग। अब हम इसका प्रोसेस जो है वो आगे डायग्राम के साथ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह इसको रीड कर रहे हैं सिर्फ, जो एक समरी सी है। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे जो प्लेट है, न्यूरल प्लेट सेल्स, उनके शेप्स चेंज हो जाते हैं और उनके जो एपिकल साइड्स हैं, उनके जो सेल्स के एपिकल साइड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ वो बेंट हो जाते हैं और एक हिंज पॉइंट बन जाता है। हिंज कहते हैं जो डोर का वो एक क्रैक नहीं होता, उसी तरह का एक हिंज पॉइंट बन जाता है टिशू बेंडिंग, क्योंकि टिशू अंदर बेंट कर जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसको हम जिसे हम आगे जाके फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है, और वो आगे बेंड होके फिर उससे अंदर न्यूरल ट्यूब बनता है, वो हम प्रोसेस पढ़ते हैं। द फोल्डिंग ब्रिंग्स द साइड्स ऑफ द प्लेट्स अपवर्ड एंड टूवर्ड्स ईच अदर अनटिल दे फ्यूज अलॉन्ग द मिड लाइन। अच्छा, ये फिर एज इफ द ट्यूब वर बीइंग ज़िप्ड अप। तो एक जो
न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल प्लेट है, उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास न्यूरल फोल्ड्स होते हैं, वो साइड वाली टिश्यूज, जैसे ही न्यूरल ट्यूब अंदर जाता है तो साइड की टिश्यूज साइड से आके जिप अप हो जाती हैं ऊपर से, तो हमारे पास ऊपर से एक लाइन बन जाता है। द ट्यूब सेपरेट्स फ्रॉम द सर्फेस एक्टोडर्म थ्रू डिफरेंशियल एडहेशन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बॉर्न। तो फिर अंदर की तरफ जो सेल्स चले जाते हैं न्यूरल ट्यूब के, न्यूरल प्लेट के, वो राउंड फॉर्म में एक्टोडर्म से डिटैच होकर अंदर की तरफ न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं। अच्छा, ये थी समरी, हम अब जाते हैं प्रोसेस की तरफ। तो प्रोसेस की तरफ जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है जो हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज़ द जो एक्टोडर्म है, हमने कहा कि गैस्ट्रुलेशन के बाद ये प्रोसेस होता है नेक्स्ट, सो उसमें इन्वॉल्व होता है एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं बनाता, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरल कॉर्ड नहीं बनाता, उससे हमारे पास आगे जाके तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वर्टिब्रेट एक्टोडर्म, द आउटर जर्म लेयर कवरिंग द लेट स्टेज गैस्ट्रुला हैज थ्री मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो एक्टोडर्म है उसके उससे तीन मजीद हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नंबर वन, वन पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म विल बिकम द न्यूरल प्लेट, द प्रिजम्पटिव न्यूरल टिश्यू इंड्यूस्ड बाय द प्रिकॉर्डल प्लेट एंड नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। आगे जो है इससे नोटोकॉर्ड सही है, और ये प्रीकॉर्डल प्लेट, प्रीकॉर्डल मतलब जो हमने कहा कि नोटोकॉर्ड जो है वो एक अर्ली स्ट्रक्चर होता है, जो कि मोस्टली कॉर्डेट्स के अंदर वो बल्कि सारे के अंदर एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो डेवलप होता है। तो वो यहाँ पे न्यूरल टिश्यू, और वो क्या है, न्यूरल प्लेट, और वो बनता है एक्टोडर्म से। सो द न्यूरल प्लेट क्या होता है, इट इन्वोल्यूट्स इनटू द बॉडी टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल प्लेट इन्वोल्यूट्स मीन हमने सेल मूवमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें इन्वोल्यूशन एक सेल मूवमेंट थी, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ सेल हमने पढ़ा था इन्वोल्यूशन। तो यहाँ पे सेल्स अंदर की तरफ इन्वोल्यूट हो जाते हैं इनटू द बॉडी टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब क्या है, इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो न्यूरल प्लेट सेल्स वो अंदर की तरफ इन्वोल्यूट होकर न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। सेकेंड क्या है, अनदर पार्ट ऑफ दिस जर्म लेयर विल बिकम द एपिडर्मिस, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे देख लें कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। सो एपिडर्मिस के कौन से सेल्स वो न्यूरल ट्यूब एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, दैट आर न्यूरल प्लेट सेल्स, न्यूरल प्लेट, ठीक है। अच्छा, न्यूरल प्लेट्स और सेकंड हमारे पास है एपिडर्मिस से जो आउटर लेयर है, एक्टोडर्म का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस, उससे स्किन बनेगा हमारे पास। दिस द एपिडर्मिस फॉर्म्स एन इलास्टिक वाटरप्रूफ एंड कॉन्स्टेंटली रीजनरेटिंग बैरियर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। स्किन, यू नो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्किन, ये दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्टोडर्म से बनते हैं आगे जाकर। एक तीसरा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, दैट इज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट ये खास सेल्स होते हैं जो कि दे आर बिटवीन द कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग द एपिडर्मिस एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बिटवीन द कंपार्टमेंट्स ऑफ एपिडर्मिस एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, द सेल्स ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट delaminates from these epithelia at the dorsal midline and migrate away between the neural tube and epidermis to generate, among other things, the peripheral nervous system. ठीक है, अच्छा, ये cells हैं हमारे पास जो कि epidermis और central nervous system के बीच में क्या हो जाते हैं, ये neural crest cell क्या हो जाए, ये delaminate हो जाए। delamination again, वो cell जब जर्मिनल लेयर से डिटैच होकर अंदर की तरफ जाते हैं तो उसको हम डीलेमिनेशन कहते हैं। एक लेयर के फॉर्म में पूरा लेमिना जो है वो नीचे आता है। सो दीज लेमिनर दे डीलेमिनेट्स
और न्यूरल क्रेस्ट सेल ये क्या करते हैं, पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल प्लेट से बनता है और पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम ऑल द नर्व्स एंड न्यूरॉन्स लाइंग आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस, यू नो वेरी वेल पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम। तो वो जितने भी दूसरे बॉडी के न्यूरॉन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा, वो सारे जो है यहाँ बनेंगे न्यूरल क्रेस्ट। तो बेसिकली दीज थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर दीज टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस। अब यहाँ एक स्केच दिया हुआ है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, इसको आप देख सकते हैं। फिर हम इसको शॉर्टली ज़रा करते हैं। तो देखें, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में फर्स्ट हमारे पास बनेगा सरफेस एक्टोडर्म, जिसे हम इपिडर्मिस कहते हैं। तो इपिडर्मिस से हमारे पास स्किन बनेगा, इपिडर्मिस, हेयर, नेल्स, ये सारे जो है अब आप देख लेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ इससे बनेंगे। सेकेंड हमारे पास है बीच में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अगेन हमने पढ़ा कि दे फॉर्म पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, श्वान सेल्स, ग्लाइल सेल्स, सिंपथेटिक, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम्स और एड्रीनल मेड्यूला, मेलानोसाइट्स, फेशियल कार्टिलेज, डेंटाइन ऑफ टीथ, ये जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ से बनेंगी न्यूरल क्रेस्ट। सिर्फ पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वो है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम। थर्ड वी हैव न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट वो सेल्स हैं जिनसे आगे जाके न्यूरल ट्यूब बनेगा। ठीक है, विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द न्यूरोलेशन प्रोसेस, और उससे बनेगा ब्रेन, न्यूरल पिट्यूटरी, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स एंड रेटिना, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। सो द प्रोसेस बाय विच थ्री एक्टोडर्मल रीजन्स आर मेड फिजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड न्यूरोलेशन, एंड एन एम्ब्रियो अंडरगोइंग दीज प्रोसेसेस इज कॉल्ड अ न्यूरोला। न्यूरोलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक्टोडर्मल रीजन से तीन फिजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूरोलेशन कहते हैं, एंड द एम्ब्रियो इज दिस स्टेज इज कॉल्ड न्यूरोला। अच्छा, न्यूरोलेशन, यहाँ पे एक बात है, न्यूरोलेशन डायरेक्टली फॉलोस गेस्टुलेशन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरोलेशन राइट आफ्टर गेस्टुलेशन होता है। अब ये जो तीन लेयर्स हमने पढ़ी कि ये एपिडर्मिस से बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसके अंदर, तो जो इन मेन फैक्टर है इसके अंदर दैट इज रेगुलेटिंग लेवल्स ऑफ बीएमपी। बीएमपी एक प्रोटीन है विच इज कॉल्ड बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन क्या है, ये पहले जब डिस्कवर हुआ तो इट वॉज फाउंड टू प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज सेल्स, लेकिन लेटर ऑन डिस्कवर किया गया कि इसका फंक्शन सिर्फ जो है वो बोन और कार्टिलेज के सेल्स में नहीं है, बल्कि दे आर बेसिकली सेल पैटर्निंग मॉलिक्यूल्स, सेल सिग्नलिंग, सॉरी पैटर्निंग मॉलिक्यूल, जो कि सेल्स को क्या करते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जर्मिनल लेयर्स के अंदर उनको स्पेसिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब एपिडर्मिस बनेगा तो वो क्यों बनेगा, दैट इज रिजल्ट ऑफ हाई बीएमपी लेवल। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जब हाई लेवल में प्रोड्यूस होगा सो दैट विल फॉर्म सरफेस एक्टोडर्म और दैट इज एपिडर्मिस। देन जब मॉडरेट लेवल ऑफ बीएमपी हमारे पास प्रोड्यूस होगा सो दे विल इट विल रिजल्ट इन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और जब बीएमपी लेवल बहुत लो होगा जिन सेल्स में तो दे विल फॉर्म न्यूरल प्लेट एंड न्यूरल ट्यूब। और इसके साथ न्यूरल ट्यूब के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं दैट आर कॉल्ड सॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। वो एक्सप्रेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बीएमपी लेवल को लो करते हैं। तो जब वो लो होंगे तो उससे न्यूरल प्लेट न्यूरल ट्यूब बनेंगे, और जहाँ पे बीएमपी लेवल्स मॉडरेट एंड हाई होंगे तो वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट एंड एपिडर्मिस सेल्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स नाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूरल प्लेट इनटू अ ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, स्किन का जो है वो क्लियर है। ठीक है, स्किन और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हम उसमें नहीं जाते। न्यूरल क्रेस्ट से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा। अब जो न्यूरोलेशन में इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द न्यूरल प्लेट इनटू अ ट्यूब। अब न्यूरल प्लेट सेल्स हमने पढ़ा
कि उससे न्यूरल ट्यूब बनता है। तो कैसे बनता है न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब, वो इधर पढ़ते हैं। तो ये एक एम्ब्रियो का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर में जो शो है, दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ये जो डार्क पर्पल में शो है, दैट इज़ न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट एपिडर्मिस के वो सेल्स हैं जहाँ से न्यूरल ट्यूब बनेगा। साइड पे जो लाइट ब्लू में है, दैट आर न्यूरल फोल्ड। ये भी न्यूरल एपिथीलियम है, न्यूरल एपिडर्मिस है, लेकिन ये न्यूरल फोल्ड्स हैं। ये जब न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा, तो ये साइड से न्यूरल प्लेट्स फोल्ड, ये न्यूरल फोल्ड जो है ये मिड की तरफ आएंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि अर्ली न्यूरोला है, मिड न्यूरोला में न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ गई और न्यूरल फोल्ड जो है वो साइड से आकर देखें क्लोज हो रहे हैं। और लेटर न्यूरोला में न्यूरल ट्यूब बन जाता है अंदर की तरफ। अब वो कैसे बनता है हम ट्रांसवर्स सेक्शन में शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डॉर्सली देखें, डॉर्सल सरफेस, ये हमारे पास डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल व्यू में आप देखें तो वो न्यूरल फोल्ड फ्यूज़ हो गए आपस में, और जो अंदर न्यूरल प्लेट था वो इन्वेजिनेट होके न्यूरल ट्यूब उसने बनाया, जो कि यहाँ पे अभी एपिकली शो है, लेकिन अब ट्रांसवर्स में ऐसे शो होगा। इधर देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट देयर इज न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा और न्यूरल फोल्ड्स करीब आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लू में जो न्यूरल फोल्ड्स हैं वो दूर हैं आपस में। यहाँ पे न्यूरल प्लेट जैसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है तो इन्वोल्यूट होता है, इन्वोल्यूशन ऑफ सेल्स होती हैं, तो वो न्यूरल फोल्ड्स करीब आते हैं। और न्यूरल फोल्ड्स नेक्स्ट स्टेज में न्यूरल फोल्ड्स इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो बंद हो जाते हैं, और न्यूरल ट्यूब के जो न्यूरल प्लेट के जो सेल्स हैं वो अंदर जाके मज़ीद डिटैच हो जाते हैं एपिडर्मिस से, एंड दे फॉर्म न्यूरल ट्यूब। देखें, न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ जाके न्यूरल ट्यूब बना रहा है, एंड थर्ड में न्यूरल ट्यूब बन गया। ओके, सो अब न्यूरोलेशन तो बेसिकली हमने पढ़ लिया कि ऐसे होता है कि न्यूरल प्लेट सेल्स अंदर जाके न्यूरल ट्यूब बनाएंगे, जिससे आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। लेकिन न्यूरोलेशन का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, डेट इज डिवाइडेड इंटू मजीद टू स्टेजेस, डेट इज प्राइमरी न्यूरोलेशन एंड सेकेंडरी न्यूरोलेशन। ये बड़ा सिंपल है, हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, मैं टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे रीड करूँगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करके, बाकी टेक्स्ट आप रीड कर लें, मैं डायरेक्टली ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूरोलेशन हम अभी इधर डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। सो द सेल्स ऑफ न्यूरल प्लेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ द सॉक्स फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूरल प्लेट सेल्स में सॉक्स फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, सॉक्स 1, 2, and 3, दे आर फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट करते हैं कौन से जीन्स को, दैट स्पेसिफाई सेल्स टू बी न्यूरल प्लेट। अब ये उन सेल्स को स्पेसिफाई करते हैं जिन्होंने आगे जाके न्यूरल प्लेट बनना है। एक काम तो ये करते हैं कि दे एक्टिवेट द जीन्स ऑफ न्यूरल प्लेट। सेकेंड, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड न्यूरल क्रेस्ट बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड सिग्नलिंग ऑफ BMPs, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। हमने कहा कि वो लो अमाउंट में होते हैं, लोवेस्ट क्वांटिटी में होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सॉक्स जो फैक्टर्स हैं वो उनको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इन सेल्स से भी फिर हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट और एपिडर्मिस बनेगा, लेकिन ये सॉक्स जो है फैक्टर ये उसको इनहिबिट कर देता है इस रीजन में, तो वहाँ जाके न्यूरल प्लेट सेल्स बनते हैं। ये एक प्रोसेस है, वी सी वंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑफ्टन द सिग्नल्स प्रोमोटिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ वन सेल टाइप ऑल्सो ब्लॉक्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव सेल टाइप्स। यहाँ पे है कि सेल स्पेसिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी सेल स्पेसिफिकेशन और सिग्नलिंग होते हैं, सिग्नल्स सेल सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं या जो भी फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ एक टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन करते हैं सेल की, बल्कि दूसरे सेल टाइप को वो भी करते हैं, ब्लॉक भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये ना सिर्फ न्यूरल प्लेट के सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है बल्कि BMPs को भी ब्लॉक कर रहा है, ताकि
प्रोसेस जो है वो इफेक्टिवली हो. ठीक है, ऑल दो द न्यूरल प्लेट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द एम्ब्रियो द नर्वस सिस्टम विल नॉट लाई आउटसाइड ऑफ द मेच्योर बॉडी. अब आप देख सकते हैं कि इपिडर्मिस से बनता है न्यूरल प्लेट, लेकिन एडल्ट बॉडी के अंदर वो अंदर होता है काफ़ी. ठीक है, आउटसाइड द बॉडी तो नहीं होता, तो ये कैसे होता है? Somehow the neural plate has to move inside the embryo and form a neural tube. तो neural tube has to go inside the body. वो neural tube surface पे नहीं रह सकता because it has to form brain and spinal cord. ठीक है, तो there are two principal modes of neurulation, primary and secondary. अब text आप खुद read कर लें. ठीक है, मैं process की तरफ जाता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, okay. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोलेशंस हैं प्रोसेस. ठीक है, अच्छा अब ये कोई ऐसा नहीं है कि थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब्स बनेंगे. न्यूरल ट्यूब एंड में सेम बनेगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है. जो थ्रू आउट द न्यूरल ट्यूब है, जो लेंथ है बॉडी का, एम्ब्रियो की का फुल लेंथ जो है, उसमें कुछ पार्ट पे प्राइमरी न्यूरोलेशन होगी, कुछ पे ट्रांजिशनल या जंक्शनल न्यूरोलेशन होगी, और कुछ पार्ट में सेकेंडरी न्यूरोलेशन. ये सारे जो है कंबाइन होके एंड में एक न्यूरल ट्यूब बनाएंगे. ओके, ठीक है, रिजल्ट आप देख सकते हैं कि तीनों का सेम आ रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या है डिफरेंस, वो ये है. नंबर वन, प्राइमरी न्यूरोलेशन. प्राइमरी न्यूरोलेशन जो है वो बनता है किस से, जो हमने अभी पढ़ा, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट सेल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डार्क पर्पल में शो है, दे आर न्यूरल प्लेट सेल्स, और ये न्यूरल प्लेट सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं, इन्वोल्यूट होते हैं, और दे फॉर्म न्यूरल ट्यूब. ठीक है, और ऊपर जो न्यूरल फोल्ड्स हैं वो ऊपर आके रह जाते हैं. ठीक है, ये है प्राइमरी न्यूरोलेशन, एक टाइप ऑफ न्यूरोलेशन ये है. सेकंड ये है कि जंक्शनल न्यूरोलेशन और ट्रांजिशन जोन. अच्छा, इससे पहले इसकी समझ तब आएगी जब हम पहले प्राइमरी के साथ हम सेकेंडरी डिस्कस कर लें, फिर हम इसकी तरफ आए थे, ये फिर सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो सेकेंडरी न्यूरोलेशन क्या है? कुछ पार्ट में हमारे पास जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो अंदर की तरफ इन्वोल्यूट नहीं होते, बल्कि कुछ मीजेनकाइम सेल्स होते हैं, जो आपको यहाँ लाइट ब्लू में शो हो रहे हैं, वो अंदर ही अंदर वो सेल्स, मीजेनकाइम सेल्स, वो एग्रीगेट हो जाते हैं. ठीक है, एक साथ आ जाते हैं और ट्यूब बना लेते हैं. तो न्यूरल ट्यूब वही बनता है, फिर उनके बीच में स्पेस प्रोड्यूस हो जाती है और न्यूरल ट्यूब वही का वही बन जाता है, लेकिन वो सेल प्राइमरी न्यूरोलेशन की तरह इन्वोल्यूशन ऑफ द सेल्स से नहीं बनता, बल्कि अंदर ही लाइट ब्लू में आप देख सकते हैं ये सेल्स, मेसेनकाइम सेल्स कंबाइन होकर वो न्यूरल प्लेट बनाते हैं. ठीक है, और ये वही मेसेनकाइम सेल्स होते हैं जो कि डिराइव होते हैं एक्टोडर्म से. ठीक है, बट दे आर नॉट फ्रॉम न्यूरल प्लेट सेल्स. अच्छा, बीच में इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें half the cells comes from neural plate cells and half the cells comes from the mesenchyme origin. देखें, अंदर की तरफ से, ऊपर की तरफ से अंदर involution भी हो रही है और बीच में से भी cells add हो रहे हैं. ठीक है, और दोनों combine होके फिर neural tube बनाते हैं. तो इसके result में हमारे पास जो neural tube बनता है वो three, उसके तीन portions होते हैं. Number one is primary, जंक्शनल एंड सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी न्यूरोलेशन से प्राइमरी बनेगा, ये रोस्ट्रल और एपिकल पार्ट है. ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियो, तो वो बनता है हमारे पास प्राइमरी न्यूरोलेशन से. सेकेंड पार्ट इज जंक्शनल न्यूरल ट्यूब विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशनल और जंक्शनल न्यूरोलेशन. ठीक है, और इसको जंक्शनल क्यों कहते हैं? कि यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपस में कंबाइन होते हैं और उनसे फिर एंड में एक ही न्यूरल ट्यूब बनता है. और थर्ड जो है सेकेंडरी न्यूरोलेशन के रिजल्ट में जो बनता है, तो वो लाइट कलर से शो है. तो दोनों यहाँ पे ट्रांजिशनल है कि कुछ, देखें आप, इसका कलर हाफ जो है शो हुआ है, हाफ प्राइमरी का हाफ सेकेंडरी का, बिकॉज कि इसमें कुछ मेसेनकाइम सेल्स हैं इन्वॉल्व हैं और कुछ
न्यूरल प्लेट के सेल्स इन्वॉल्व है, तो इससे कंबाइनली जंक्शनल न्यूरल प्लेट बनता है। ठीक हो गया। और एंड में ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता और आगे जाके इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। सो द न्यूरल ट्यूब इज फाइनली कंप्लीट व्हेन देयर व्हेन दीज टू सेपरेटली फॉर्म ट्यूब्स जॉइन टुगेदर। The size of the transition zone between the primary and secondary neural tubes varies among species from relatively abrupt. अच्छा, अब ये transition zone जो है ये vary करता है। बाज embryos के अंदर primary जो है most of the neural cord will be neural tube will be from primary neurulation. बाज में ये ज़्यादातर secondary से होगा, बाज में junctional से होगा। तो it varies among the वर्टिब्रेट्स। ठीक है, चूंकि हम वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, सो अब वही बात है जो हमने यहाँ डिस्कस की, वो इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई है, आप खुद पढ़ लें। ओके, देन अब प्राइमरी न्यूरिलेशन और सेकेंडरी न्यूरिलेशन बहुत डिटेल में ये प्रोसेस है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और एंड में जाके, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव टू कैरी विद द कोर्स। बेसिक न्यूरिलेशन के लिए इतना काफ़ी था। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये पैराग्राफ है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हमने बेसिक प्रोसेस डिस्कस कर लिया न्यूरोलेशन का, अब यहाँ से आगे जाके फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे बर्ड्स में एग्जांपल है कि बर्ड्स में प्राइमरी न्यूरोलेशन जनरेट्स द न्यूरल ट्यूब एंटीरियर टू द हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स से एंटीरियर पोर्शन में प्राइमरी न्यूरोलेशन होती है। मैमल्स में क्या होता है कि अच्छा इधर देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इन मेनी वर्टिब्रेट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूरिलेशन आर डिवाइडेड स्पेशली इन द एम्ब्रियो सच दैट प्राइमरी न्यूरिलेशन फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूरिलेशन। तो मोस्टली ये होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि मोस्टली जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूब है दैट इज फ्रॉम प्राइमरी एंड पोस्टीरियर पार्ट इज फ्रॉम सेकेंडरी न्यूरिलेशन। यहाँ पे वही बात है कि मैनी वर्टिब्रेट्स में ऐसा ही होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बर्ड्स में वो है एंटीरियर टू द हाइंड लिम्स, मैमल्स में है बिगिंस एट द लेवल ऑफ द सेक्रल वर्टिब्री ऑफ द टेल। ठीक हो गया। इन फिश एंड एम्फीबियंस उसमें क्या होता है कि ज़ीब्रा फिश एंड ज़ीनोपस ओनली द टेल न्यूरल ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूरिलेशन। और मोर बेसल कॉर्डेट सच एज एम्फियोक्सिस ओनली एग्जिबिट मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी न्यूरिलेशन में सेकेंडरी न्यू, सजेस्टिंग प्राइमरी न्यूरिलेशन वॉज द एंसेस्ट्रल कंडीशन एंड दैट सेकेंडरी न्यूरिलेशन इवॉल्व्ड मच लाइक लिम्स दैट इज द वर्टिब्रेट्स नोवल्टी एसोसिएटेड विद टेल इलोंगेशन। अच्छा, तो यह है कि इसका शॉर्टली ये मतलब है कि एंसेस्टर्स में पहले सबसे ज़्यादा क्या है बेसल कॉर्डेट्स में सिर्फ प्राइमरी न्यूरिलेशन होता था, सेकेंडरी न्यूरिलेशन बाद में लिम्ब्स और टेल के साथ ये फिर क्या है ओरिजिनेट हुआ, इवॉल्व हुआ है। तो सेकेंडरी न्यूरिलेशन इज लाइक थ्रू एवोल्यूशन डेवलप हुआ है। ठीक है, और एंसेस्टर्स में सिर्फ प्राइमरी न्यूरिलेशन था। सो देट वॉज अबाउट न्यूरिलेशन प्रोसेस, जो हमारा इस फर्दर वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में पहला प्रोसेस था। नेक्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स एंडोडर्म एंड वी विल एंड दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो तीन प्रोसेसेस हैं न्यूरोलेशन, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन एंड देन एंडोडर्म फॉर्मेशन, उसमें हमने एक पढ़ लिया दैट इज न्यूरोलेशन। सो That's it about today's topic. See you in the next, inshallah.